हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 211, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा? उत्तर, नंदुलारे वाजपेयी। प्रश्न नंबर 212, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? उत्तर, बिहारी रचना सतसई। प्रश्न नंबर 213, किस निबंधकार को भाषा का जादूगर कहा जाता है? उत्तर, शिव पूजन साय। प्रश्न नंबर 214, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? उत्तर, ब्राह्मी। प्रश्न नंबर 215, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र? उत्तर, समाचार सुधा वर्षन। प्रश्न नंबर 216, रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक किसे माना? उत्तर, फ्लिंट। प्रश्न नंबर 217, किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामत काल कहा है? उत्तर, राहुल साकृत्यान। प्रश्न नंबर 218, किन्हें हिंदी संसार में कवि सम्राट के रूप में माना जाता है? उत्तर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रश्न नंबर 219, उपन्यास सम्राट तथा कहानी सम्राट के नाम से हिंदी जगत में किसे जाना जाता है? उत्तर, प्रेमचंद को। प्रश्न नंबर 220, डोला मारू दुहा के रचनाकार कौन है? उत्तर, कलोल कवि। प्रश्न नंबर 221, किस विद्वान ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किसने कहा? उत्तर, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न नंबर 222, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय है नहीं है, तुलसीदास के संदर्भ में है कथन किसका है? उत्तर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 223, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, यह पंक्ति किसकी है? उत्तर, घनानंद। प्रश्न नंबर 222, वेद ही हिंसा हिंसा न भवती के रचनाकार कौन है? उत्तर, भारतेंदु हरिश्चंद। समस्या पूर्ति किस काल की कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है? उत्तर, भारतेंदु युग। चित्र तुरंग न्याय से नट को ही वास्तविक राम समझकर दर्शक रसानुभूति करता है, मान्यता किसकी है? शंकुंक। प्रश्न नंबर 227, पेरिप्सूस का संबंध किससे है? उत्तर, उदात। प्रश्न नंबर 228, औचित्य रस सिद्धस्य स्थिर का काव्य से जीवितम किसका कथन है? उत्तर, शैमथ्र। प्रश्न नंबर 229, काव्य यस्य अर्थकृत्य व्यवहार विदेश शिवितर शैत्य सग पर निश्वरत्य कान्या समित्योपदेश युजे प्रोक्त कथन किससे संबंधित है? उत्तर, मम्मट काव्य प्रयोजन। प्रश्न नंबर 230, काव्य शोभा का नाम धर्मलंकार प्रेक्षक किसकी पंक्ति है? उत्तर, दंती। प्रश्न नंबर 231, किसने हिंदी को आर्य भाषा कहा? उत्तर, महाश्री दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 232, हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाले पत्रिका का क्या नाम है? उत्तर, सरस्वती। प्रश्न नंबर 233, प्रमुख साम्यवादी आलोचक कौन थे? उत्तर, डॉक्टर रिमला शर्मा। प्रश्न नंबर 234, क्या भूलू क्या याद करूँ कृति के रचनाकार कौन है? उत्तर, हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 235, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना? उत्तर, रसायन। प्रश्न नंबर 236, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? उत्तर, राहुल बेल। प्रश्न नंबर 237, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रमितिहास नाम से किसने किया? किशोरी लाल गुप्त। प्रश्न नंबर 238,